देयर स्टूडेंट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इम्पैक्ट ये थोड़ी सी हम एक रिपोर्ट है उसको ऊपर पढ़ते हैं देखते हैं ग्लोबल पॉपुलेशन हैज एक्सीडेड सेवन बिलियन पीपल इन 2015। ए सेंचुरी अगो देयर देअर अबाउट द 1.6 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड एंड इन द नाइनटीन सिक्सटी देर वर अबाउट हाफ ऑफ द पीपल

कि हमने कहाँ पे 2015 के अंदर हम 17 बिलियन है और देर सेंचुरी को जो है हम 1.6 बिलियन है अब मैं इसको थोड़ा सा लिंक करना चाहूँगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर देखें अगर हमें अपनी पॉपुलेशन का पता नहीं है या हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हमारे रिसोर्सेज के साथ अलाइन नहीं है तो फिर हमें अपने गोल्स हासिल करना मुश्किल हो जाएगा अभी देखें ना दुनिया के अंदर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सी मुहिम चलाई गई और उसकी का ख़ास वजह यह थी कि जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं तो हमारे टारगेट्स उस वक्त तक अचीव नहीं हो सकते जब तक हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आइंदा दस सालों में हमारी पॉपुलेशन कहाँ पर होगी उसके लिए बहुत काम किए गए इकदाम भी किए बच्चे दो ही अच्छे और इसके अलावा और बहुत से जाना प्रोटेक्शन के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ इकदाम दौर में होते रहे और उसकी मेन काज क्या थी उसकी मेन काज ये थी कि जितने भी प्लानर बैठे हुए हैं जितने भी प्लानिंग दुनिया के अंदर हो रही है जहां डेवलपिंग कंट्री की हो रही है या डिवेल्प कंट्री की हो रही है अगर वो एस्टिमेट नहीं कर पाते पॉपुलेशन को अगर वो पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो उसके मुताबिक अपने रिसोर्सेज को जनरेट नहीं कर पाते देखिए मैं उसी एक आम मिसाल देता हूँ आपको हमने कहा अंगर जीरो अंगर हमने प्लान कर लिया अब हमारे पास जो प्लान है अगर उसमें हमें यह मालूम नहीं है कि अगले पांच सालों में हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट क्या होगी तो हम अपने रिसोर्सेज की मोबिलाइजेशन जो करेंगे वो कैसे कर सकें मैं उसे एक आम मिसाल देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के अंदर हमने प्लान किया कि अगले साल में एक साल में हमारे एक लाख बच्चे पैदा होंगे या हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हंड्रेड थाउजेंड है मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स करने की बात नहीं कर रहा है अब आपको एग्ज़ाम्पल देने के लिए बात कर रहा हूँ हमने वन हंड्रेड थाउजेंड जो इनक्रीज़ है हमारा हमने उसके मुताबिक हमने अपने रिसोर्सेज की मोबलाइजेशन प्लान कर ली हमें हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमें आने वाले वक्तों में एजुकेशन में स्कूल कितने चाहिए हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमें हॉस्पिटल कितने चाहिए हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमें डॉक्टर्स कितने चाहिए हमें इंजीनियर्स कितने चाहिए हमने हर चीज़ कैलकुलेट कर ली और हमने एस के जितने भी स्टैंडर्ड थे हर स्टैंडर्ड ने अकॉर्डिंगली अपने टारगेट्स बना लिए अब हम फर्ज करें कि जब हम एक्चुअल कैलकुलेट करते हैं तो इट एनहांस मोर देन वन फिफ्टी थाउजेंड तो अब आप देखें हमने प्लान क्या किया है हंड्रेड थाउजेंड हमने टारगेट्स जो बनाए हैं हमने जो रिसोर्स एलोकेट किए हैं हमने जो रिसोर्स जनरेट करने हैं हमने वो हंड्रेड थाउजेंड को करके लेके हैं। अब हमारे पास वन फिफ्टी थाउजेंड का अगर फिगर आ गया है फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पर जा रहा हूँ तो इससे आप अंदाजा करें कि अब हमारे पास बतला के हमारा जो प्लान है वो सारे का सारा इन अप्रोप्रिएट हो जाएगा हम जो टारगेट्स अचीव करने जा रहे हैं हम उन टारगेट्स को प्रॉपर अचीव नहीं करने जा, कर सकेंगे हमने जो प्लान किया था कि हर बंदे को कितना रिसोर्स चाहिए और हमने उस रिसोर्स के मुताबिक हमने प्लानिंग कर दी थी अब जब हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ गई तो हमारी प्लानिंग नहीं हो सकेगी तो इसीलिए तो जो हमारे पास पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो डायरेक्ट असरअंदाज होती है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर उनके डार्केट उनके जितने भी टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए हमें ये असरअंदाज होगी हमें टारगेट्स की बनाने में असरअंदाज होगी डिस्ट्रीब्यूशन में असरअंदाज होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे हमें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि अगर अगर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ को पूरी वर्ल्ड वाइड कंट्रोल नहीं किया गया थ्रू आउट द वर्ल्ड ये डेवलपिंग कंट्री की बात नहीं हो रही ये डेवलप कंट्री की भी बात हो रही है क्योंकि तो ये वर्ल्ड फनामिना की बात हो रही है तो तमाम इवन तमाम फनामिना में तमाम डेवलपिंग और डेवलप कंट्री के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल नहीं किया गया तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर जो हमने टारगेट्स लिए हैं हमको अचीव नहीं कर सके तो लिहाजा हमारा जो एक अहम फैक्टर है या हम यूं से कह लें कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे पास असरअंदाज डायरेक्ट असर अंदाज होगा हमारे एस टी